हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल शहजाद सर मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए हम गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपकी फरवरी 2023 में होने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम आपको कराते हैं। देखिए सॉल्यूशन, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न कह रखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो हम एक तरीके से अर्धगोले के आकार का है, तो यानी एक पहले पूरा गोला बना लेते हैं, उससे फिर हम एक अर्धगोला बना लेंगे। देखिए हम इसका एक पूरा गोला बना लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये हमने एक पूरा गोला बना लिया। अब इसके बीचों बीच में से हम इसका अपना अर्धगोला चूंकि हमें लेना है, तो हम अर्धगोले को पूरा डार्क सर्कल से कर देंगे। मतलब ये जो सर्कल था ना पूरा, तो इसको हमने डार्क कर दिया सर्कल को, ये वाला। तो ये हो गया हमारे पास एक अर्धगोला। खास बात ये रही अर्धगोले की कि ये चूंकि वृत्त है पूरा, उस वृत्त में से आधा गोला बन लिया है, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे हो गया। जिसे हमें लेना है उसे हमने डार्क कर दिया है। अब देखिए बच्चों, ये केंद्र होता है, तो केंद्र से ये जितनी भी परिधि है, परिधि पर मिलने वाली सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, वृत्त की त्रिज्याएं कहलाती हैं। जैसे ये केंद्र से वृत्त पर मिल गया परिधि पर, तो ये भी त्रिज्या हो गई। ये केंद्र है, इस परिधि पर मिल गया, ये भी त्रिज्या हो गई। अगर हम इसको यहाँ मिलाते हैं, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये सारी त्रिज्याएं हैं। यानी कि एक त्रिज्या अगर हम इसको यहाँ मिला देते हैं तो ये भी त्रिज्या हो गई, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिला दिया। ठीक, ये हमारा चित्र हो गया। क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का, ठीक है, अर्धगोला का बर्तन हो गया जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसी की जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई के बराबर एक जो इसका त्रिज्या है अर्धगोले की, वही इस बेलन की त्रिज्या, मतलब बिल्कुल इसी के साइज का रखा है। इसका मतलब अगर हम इसको ऊपर तक मिला दें, तो यानी कि ये चीज़ ये, तो ये हाइट हो गई यानी ऊंचाई हो गई इस बेलन के लिए। अब पूरे बर्तन की, जो पूरा बर्तन बनकर तैयार हुआ है, इसकी ऊंचाई ये हो गई। ठीक, इसे हम अगर एच कह देते हैं, मान लिया ये हमारा एच हो गया, किसकी, बेलन की ऊँचाई, और ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है, क्योंकि सेम इसकी जो चौड़ाई है अर्धगोले की, उसी की साइज का ये बेलन रखा हुआ है। अब प्रश्न पर आते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई का मतलब होता है ये पात्र जो बना है वो यहां से लेकर और यहां तक की, ये तो ये लिया हमने, ये यहां तक हाइट जो है ये 13 सेंटीमीटर, राइट। अब इसका हमें ज्ञात करना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होगा। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लिखेंगे दिया है क्या, अर्धगोले का व्यास, जो व्यास होता है उसे हम 2R से कहते हैं, वह है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए R जो बन गया वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर बन गया, राइट। याद रखना है अर्धगोले का जो व्यास है वो 2R है, यानी त्रिज्या R है, वही बेलन की भी त्रिज्या R होगी। अब ये देखा हमने कि 7 सेंटीमीटर आर का मान हो गया, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, राइट। तो 7 सेंटीमीटर हम इसे ये कह सकते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर ये हो गया। इसका मतलब सारी, यानी ये 7 सेंटीमीटर ये हो गया। यहाँ दिखा देते हैं, आर ये है ना, ये यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर हो गया। देखिए
यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये आर है, 7 सेंटीमीटर ये भी है, 7 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक ये भी 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें चूंकि इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसे निकालने के लिए हमने आर निकाला और आर ये बता दिया। सारी लंबाई कितनी है 13, 13 में से ये 7 घटा देंगे तो ये बचेगा, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6, तो h बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा ये वाली हाइट बेलन की ऊंचाई। अर्थ अर्थ बेलन की ऊंचाई जिसे हमने h कहा है वो h आ गई 13 माइनस ये वाली r 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या गलत करना, अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, अतः तो अतः दो बार आ गया इसलिए यहाँ पे इसलिए कंसर्न ला लें, इसलिए बेलन की ऊंचाई अतः, हालांकि अतः दो बार भी लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक लिखने का तरीका है। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको हम आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अंदर से जो इसको हम बर्तन को पूरा अंदर से देखेंगे और ऐसी इस अंदर से देखेंगे, तो या तो ऐसे समझ सकते हैं या समझ सकते हैं जो बाहरी सतह इसकी है वो इसकी आंतरिक सतह के बराबर होगी। तो आंतरिक सतह मतलब अंदर से या ऊपर से, गोलाई एक ही होगी राइट, तो आंतरिक का मतलब हो गया या बाहरी, तो ये बाहरी सतह मान लेते हैं, तो बाहरी सतह कितनी होती है गोले का चारों तरफ से वक्र प्लस 2πr² तो अर्धवृत्त का हो गया, यानी अर्ध गोले का 2πr², यानी ये अर्ध गोले का हो गया, क्योंकि बंद है इसलिए हम चूँकि आकृति एक तरीके से इसको ऊपर रख दिया गया है, तो अब चाहे हाथ डाल के इसे अंदर से बर्तन को मांझ लें या बाहर से मांझ लें इतना ही फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, कि चूँकि खोखला बर्तन है हम मान लें इसे धोना है तो हम इसे इस तरीके से ऐसे जितना इधर से छू सकते हैं इतना ही से हम बाहर से छू सकते हैं, तो इसलिए इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2πr² प्लस अंदर का इसका 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठ। हम यहाँ से 2πr को मान ले लेंगे, 2πr को मान लिया तो यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा प्लस r, वैल्यू लगाएंगे 2, पाई का मान 22/7 और r का मान 7, h का मान 6 और r का मान निकल गया 7, 7 से 7 कट गए, 22 × 2=44 गुणा 6 × 7 = 13, तो गुणा करेंगे 13 × 52 कहाँ से लगा 5, 13 × 52 = 57 यानी 572 cm², ये इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो ये देखिए प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको तैयार करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है ठीक, इसको आप पूरी तरीके से तैयार करेंगे, ये सॉल्यूशन आपके सामने हो गया है। चलिए अब हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं, ये देखिए एक प्रश्न नंबर 2 है, इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम करने का तरीका होगा, पढ़ लेते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न है जो अभी हमने किया था। तो पहले क्या था, अर्ध गोले के ऊपर बेलन रखा था, अब क्या रखा है, एक खिलौना है शंकु के आकार का उसी त्रिज्या वाले अर्ध गोले पर, यानी आपके अर्ध गोले पर शंकु रखा है, दिखाते हैं, देखिए हल देखिए, पहले चित्र बनाएंगे, वही अर्ध गोला बनाएंगे, तो पहले पूरा गोला बना लेते हैं जिससे कि अर्ध गोला बनाने में आसानी हो जाएगी, इस तरीके से हमने एक वृत्त बना लिया यानी गोला ठोस, अब इसको बीचों बीच में से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, अब हम इसे डार्क करते हैं जिससे कि हमारा अर्धगोला ये बन गया, तो अच्छी खासी थोड़ी सी ड्राइंग चित्र अच्छा लगे इसलिए थोड़ा डॉट डॉट कर लिया है, ये बन गया राइट, ये बन गया हमारे पास अर्धगोला, इसी की त्रिज्या वाला यानी इसी की चौड़ाई वाला इसको ऊपर हमने एक शंकु रख दिया,
ये आ गया शंकु, ये ध्यान दे, राइट, ये शंकु, इसी की त्रिज्या वाला वही, ये चूंकि केंद्र हो गया अर्धगोले का यानी गोले का, अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, अगर हम इससे इसको मिला देते हैं तो ये भी त्रिज्या है और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये इसकी शंकु के लिए एच ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा, शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है उसे हम एल कहते हैं। हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ए बी सी ओ लिख भी सकते हैं, और अगर ना भी लिखेंगे नाम से तो भी चल जाएगा, जैसे पहले प्रश्न में भी हमने आपको बताया उसमें नाम नहीं लिखा ऐसे कर दिया, ये भी हो सकता है। अब इसमें क्या लिखा है, इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी संपूर्ण ऊंचाई का मतलब है यहां से लेके और ये यहां तक 15.5 सेंटीमीटर, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये पूरी है। तो बच्चों फिर वही तरीका आ गया हमारे पास दोस्तों कि ये हाइट निकालनी है, तो पूरी है 15.5, आर हमें दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, उसके बाद में देखेंगे इस चित्र में क्या क्या और कर सकते हैं। दिया है खिलौना, त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आर 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये आर का मान 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट, तो इसका मतलब सारी हाइट में से ये वाली हाइट अगर घटा दें तो हमारे पास ये हाइट बचेगी, ठीक। अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर सारी ऊंचाई में से हम ये त्रिज्या r घटाएंगे, यानी 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे, ऊपर नीचे घटा सकते हैं, 5 में से 5 0 पॉइंट, 5 में से 3 गए 2 1 12, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी, ठीक। अच्छा अच्छा देखें, संपूर्ण ऊंचाई तो ये हो गई, निकलवा क्या रहा है, इस खोलन खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसको ऊपर ढक दिया तो अभी चारों तरफ से बंद हो गया, यानी अब इसका बाहरी एरिया ठोस जब हो जाता है, कोई चीज़ बंद हो जाती है, संपूर्ण का मतलब वो चीज़ ठोस हो जाना, ठीक, तो ठोस का मतलब ये बंद हो गया है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, वही इसका बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², क्योंकि पूरी गोले का जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले का एक ही होता है, तो पूरी गोले का होता है 4πr², अर्धगोला होगा 2πr² और इसका πr l, पहला सूत्र लिख लेंगे। अतः खिलौने का संपूर्ण के साथ साथ कभी कभी कुल वर्ड भी लगा देता, कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर कुल शब्द आ जाए तो आप उसे संपूर्ण से ही मानेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले सूत्र लिख लेंगे 2πr² प्लस, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr l, राइट। यहां से हम πr कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने से ये फ़ायदा होता है, अगर हम कॉमन नहीं लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई का मान वाइस बटे साथ यहाँ रखना है, आर स्क्वायर का मान रखना है, फिर पाई का मान रखना है, फिर आर का मान रखना है, तो हमें पाई का मान दो जगह रखना पड़ेगा, आर का मान तो दो जगह रखना पड़ेगा, इसलिए जो चीज़ कॉमन आ जाती है वो बाहर ले लेते हैं, तो उससे हमें एक ही जगह रखना पड़ता है, फिर यहां से पाई आर कॉमन लिया तो बचेगा 2r + l। अब इसके लिए हम l जानते हैं, ये तिरछी ऊंचाई होती है, तो L का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, वैसे हम पाइथागोरस फिर में लगाते हैं, इसके अंदर ये समकोण त्रिभुज बनता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी L बराबर √h² + r² ये होता है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, ये फेयर काम है, अलग नहीं करके दिखाना है, इसी में दिखाना है, तो यहाँ लिख के दिखा सकते हैं, चूँकि L बराबर h² + r², एच का मान कितना है 12² r का मान 3.5 इसका स्क्वायर, बस ये कलाकारी करनी है कि इसका आंसर आपको कैसे निकालना है, क्योंकि ये अंडर रूट में आ गया है,
ये तो हमें याद है 12 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, लेकिन 3.5 को हम गुणा करके देखना पड़ेगा। ठीक, 5 5 25 का 5 हाँ से लगा 2, 5 15 2 17, 3 5 15 का 5 लगा 1, 3 3 और 1 10, 5 7 12 का 10 लगा 1 2, ये 1 2 1 2 12.25 ऐड करेंगे 144, 10.5 से 10.5 आता है जोड़ने और घटाने में, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156.25 ये बना अंडर रूट के अंदर। ठीक, इसे हम वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल हम इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं, वैसे तो 10.5 हटा दो इसका तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, इस तरीके से 100 या गया 156 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो इधर करते हैं, सारा काम फेयर है। ठीक, इधर से जोड़े बनाते हुए आते हैं, ये चाहे तो हम इसके फैक्टर से भी कर सकते हैं कि इसके गुणनखंड कितने बनेंगे, और चाहे इस वर्गमूल से भी हम कर सकते हैं, तो गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। तो गुणनखंड से थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कर लेते हैं। चलिए, 5 3 15, यहाँ भाग विधि चाह रहे थे लेकिन गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 5 3 15, 5 6 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 से काटेंगे 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बटे 10 × 10। ठीक, अब हम दो दो जोड़े बना लेंगे, 2 2 2, यानी 5 × 5 × 5, यहाँ से आ गया 10, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा उसका बाहर आ गया, तो 5 × 10 ऊपर बन गया, 5 5 25 बटे 2 काटेंगे 12.5 यानी 12.5, ये किसका मान है, एल का मान, इसलिए फिर से लिखेंगे, अतः इसलिए खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या डायरेक्ट कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो ऊपर लिख रहे हैं बराबर, अब क्या था फार्मूला एक बार उतार लेंगे, पाई आर ब्रैकेट में 2R + L, पाई का मान 22/7, ठीक, आर का मान कितना है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ लगाएंगे 2, यहाँ अगर 3.5 सेंटीमीटर यह लग गया है, ठीक, और 2 × 3.5 और प्लस एल 12.5, 10 हटाया 10 आ गया, 35 हो गया ना। ठीक है, अगले पेज पे दिखा दो, देखिए ये आ गया हमारे पास 10, इसका हटा देंगे ये 10 आ गया, 7 से काटेंगे 7 5 35, 5 से काटेंगे 5 2 10, 2 से काटेंगे 11। अच्छा, ये काटना जो है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, तो ये बनेगा 11 बाहर बना, 35 × 70 यानी 7 पॉइंट लग के 7.0 हो जाएगा, और ये 12.5 जोड़ेंगे तो 19.5, 11 से गुणा करनी है 19.5 को, 11 5 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 99 99 और 5 104 का 4 हासिल लगा 10, 11 × 11 = 10 = 21, तो 214.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इस तरीके से ये हमने आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार करेंगे, बहुत ध्यान से इसको सवाल को पक्का करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और लगभग हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को पूरा पक्का तैयार कर लीजिए।
तो दोस्तों ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सोल्यूशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और खूब मज़ेदार प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इन उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।